कर्नाटक के शिवमोगा में प्रधानमंत्री मोदी ने की बड़ी रैली, जनसभा को किया संबोधित, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर जमकर बोला हमला। शिवमोगा में प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस के पास नहीं है विकास का कोई एजेंडा, बार बार और सुबह शाम झूठ बोलना ही कांग्रेस का हथकंडा। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस ने कर्नाटक को बनाया अपना एटीएम, कर्नाटक का इतना पैसा लूटा कि अब सरकार चलाने के लिए नहीं बचा पैसा। पीएम ने इंडिया गठबंधन पर भी साधा निशाना, बोले अगर शक्ति के विनाश का उनका ऐलान है तो शक्ति की उपासना का हमारा भी ऐलान है। शिवमोगा में बोले प्रधानमंत्री, कांग्रेस सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने वाली पार्टी, अंग्रेज चले गए लेकिन बांटो और राज करो वाली विरासत कांग्रेस को देकर गए। मिशन साउथ पर तेलंगाना के जगतियाल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, हुआ भव्य स्वागत। पीएम मोदी ने नाम लिए बगैर राहुल पर साधा निशाना, कहा कल शक्ति को खत्म करने की बात कही गई थी, माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। प्रधानमंत्री ने खुद को बताया भारत मां का पुजारी, बोले शक्ति स्वरूपा देंगी मोदी को आशीर्वाद। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर बोला हमला, कहा देश के हर बड़े घोटालों में किसी ना किसी परिवारवादी पार्टी का हाथ। लोकसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की बड़ी कार्रवाई, हटाए गए पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक, आईपीएस विवेक सहाय बने बंगाल के नए डीजीपी। छह राज्यों के गृह सचिव पर भी कार्रवाई, गुजरात, यूपी, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर एक्शन, एक से ज्यादा पर थे तैनात। मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को लेकर भी आदेश, चुनाव ड्यूटी में नहीं होंगे शामिल। मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल को भी चुनाव आयोग ने इलेक्शन ड्यूटी से किया दूर, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त भी हटाए गए। चुनाव आयोग के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने खास साइबर विंग के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, चुनाव के दौरान फेक कंटेंट पर रखेंगे नजर। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर की सख्त टिप्पणी, कहा एसबीआई ने नहीं दी पूरी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को दी हिदायत, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर कुछ भी ना छुपाए, सबको सार्वजनिक हो। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अल्फा न्यूमेरिक नंबर को लेकर भी एसबीआई को दिए निर्देश, कहा निर्वाचन आयोग को मुहैया कराई जानकारी। 21 मार्च शाम 5 बजे तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देनी होगी पूरी जानकारी, एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी देना होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केरल सरकार की ओर से भी दायर की गई याचिका, कल सीएए के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मामले में ईडी के समन पर आज पेश नहीं हुए केजरीवाल, समन को बताया गैर कानूनी, कहा जब कोर्ट से जमानत तो बार बार समन क्यों। आपने ईडी के समन को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा ईडी के पीछे छुपकर क्यों चुनाव लड़ना चाहती है बीजेपी। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी का अरविंद केजरीवाल को समन भेजने का सिलसिला जारी, अब तक भेज चुकी है 9 समन, 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सभी याचिकाएं खारिज। बिहार में एनडीए गठबंधन से सामने आया सीट बंटवारे का फॉर्मूला, बीजेपी 17 जबकि जेडीयू 16 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, चिराग पासवान को मिली 5 सीटें, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एक एक सीट। यूपी लोकसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में मंथन, यूपी बीजेपी के कोर ग्रुप की शाम को होगी बैठक, योगी आदित्यनाथ पहुंचे दिल्ली। यूपी बीजेपी के कोर बैठक में अभी 25 सीटों को लेकर होगा मंथन, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री भी बैठक में होंगे शामिल। यूपी बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह भी हो सकते हैं शामिल, कोर ग्रुप के बाद सीईसी की बैठक भी संभावित। यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट, आचार संहिता की निगरानी के लिए 93 टीमों का गठन। यूपी में आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करेंगी टीमें, एक वरिष्ठ कार्यकारी मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, वीडियोग्राफर और 4 सशस्त्र बल जवान टीमें शामिल।
बीएसपी ने यूपी में 4 और उम्मीदवारों का किया ऐलान। पार्टी ने अभी तक 5 मुस्लिम, 4 ब्राह्मण, 1 जाट, 1 गुर्जर, 1 ओबीसी और 1 क्षत्रिय उम्मीदवार को दिया है मौका। बागपत से प्रवीण वैंसला को बीएसपी ने दिया मौका, मेरठ से देवव्रत त्यागी लड़ेंगे चुनाव। ब्राह्मण उम्मीदवार राजेश द्विवेदी बीएसपी के उम्मीदवार घोषित, कानपुर से कुलदीप भदौरिया को मिला मौका। जेडीयू की ओर से चंदे को लेकर दिलचस्प खुलासा, बंद लिफाफे में अनजान शख्स दे गया 10 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड। जेडीयू के मिले चुनावी बॉन्ड पर आरजेडी का निशाना, कहा देश में इलेक्टोरल घोटाला हुआ, घोटाले में बीजेपी के साथ जेडीयू शामिल, दोनों की खुली पोल। तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई साउंडराज ने राज्यपाल पद से दिया इस्तीफा, लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी। तेलंगाना की राज्यपाल बीजेपी से चेन्नई उत्तरी, दक्षिण या पुडुचेरी सीट से लड़ेंगे चुनाव। एसबीएसपी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी से की मुलाकात, उनके बेटे अरविंद राजभर भी साथ में रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद, एसपी ने घोसी से बनाया प्रत्याशी। सीएम ममता की चोट पर सुवेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी ने की टिप्पणी, कहा जब वोट आता है तो उसे चोट लग जाती है। नोएडा पुलिस के सामने अल्पेश यादव ने दिया बयान, पार्टी में सांप और सांपों का जहर मंगाने की बात की स्वीकार। अल्पेश यादव ने गिरफ्तार राहुल समेत सभी आरोपियों से जान पहचान की बात भी स्वीकार की, बताया सभी से अलग अलग रेप पार्टियों में हो चुकी है मुलाकात। नोएडा पुलिस ने अल्पेश यादव पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 में बनाया आरोपी, ड्रग्स से जुड़ी साजिश में शामिल होने पर लगाई जाती है ये धारा। कबूलनामे के बाद बड़ी अल्पेश की मुश्किलें, एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 में आसानी से नहीं मिलती है जमानत। चाणक्यपुरी में स्नैचर्स ने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर को ही निशाना बनाने की कोशिश की, भिड़ंत में 2 स्नैचर गिरफ्तार। केदारनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू, केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ और बड़े बड़े ग्लेशियर्स को काटकर तैयार किया जा रहा रास्ता। रुद्रप्रयाग में रास्ता बनाने के काम में जुटे 40 मजदूर, 10 मई से शुरू होगी केदारनाथ यात्रा। बद्रीनाथ यात्रा तैयारियों में जुटा प्रशासन, बद्रीनाथ और प्रथम गांव माना तक बीआरओ ने बर्फ हटाकर खोला बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। 12 मई को खुलेगा बद्रीनाथ धाम का कपाट, यात्रा को लेकर अधिकारियों ने की बैठक। कश्मीर में भारी बर्फबारी से कई राजमार्ग बंद, श्रीनगर कारगिल राजमार्ग और मुगल रोड से हटाई जा रही बर्फ। कैथल में 4 लोगों को मिला जीवनदान, 20 साल के साहिल का हो गया था एक्सीडेंट, इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने किए साहिल के अन्नदान। ओलंपिक एसोसिएशन ने भारतीय कुश्ती संघ WFI से बैन हटाया, भारतीय ओलंपिक संघ ने कुश्ती की एडहॉक कमेटी को किया भंग। कुलगांव में पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने शुरू किया चुनाव अभियान, जनसभा को किया संबोधन। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर जुटे तमिल सुपरस्टार विजय के फैन, स्टार का एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए उत्साहित दिखे फैन। दिल्ली में निर्भया केस की वकील सीमा कुशवाहा ने थामा बीजेपी का दामन, 20 सदस्यता, निर्भया के गुनहगारों को दिलवाई की सजा। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में गूंजी किलकारी, मादा तेंदुआ आगामी ने 6 शावकों को दिया जन्म। अम्बेडकर नगर में 2 भाइयों ने पुरानी कार को बनाया हेलीकॉप्टर, शादियों में किराए पर देने के लिए बना हेलीकॉप्टर। देवरिया में यूपी बिहार बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन ने किया फ्लैग मार्च, लोगों को करवाया गया सुरक्षा का एहसास। अलीगढ़ में जेएन अस्पताल के डॉक्टर्स बच्ची को दी नई जिंदगी, बच्ची की रुकी दिल की धड़कन और फेफड़ों की ऑक्सीजन, बंद किया दिल का सुराख। कानपुर IIT ने बनाया खास ड्रोन, युद्ध के हालात में ऊपर से रखेगा दुश्मन पर पैनी नजर, IIT ने ड्रोन का नाम दिया मरार। इटावा में होली के मौके पर गुलजार हुआ बाजार, पिचकारियों पर मोदी योगी की तस्वीर।
प्रयागराज में वाटर पार्क में हुआ होली का धमाल, रंग नहीं अबीर गुलाल के साथ भी होली। डीजे पर बजाए गए फिल्मी गाने, गानों की धुन पर जमकर थिरके युवा। अमेठी में गाय के गोबर से बने गुलाल की बाजार में बढ़ी मांग, चुकंदर पालक और लौकी के रस से बनाया जा रहा नेचुरल गुलाल और रंग। फतेहपुर में विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने बजाया पारंपरिक चंग ढप, धुन पर थिरकते झूमते नजर आए विधायक। अग्निवीर योजना पर बोले सीडीएस जनरल अनिल चौहान, स्कीम के जरिए भर्ती प्रक्रिया हुई बेहतर, सेना और देश दोनों को हुआ फायदा। हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संतों के साथ बैठक की, कई मुद्दों पर की चर्चा। गुवाहाटी में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया मां कामाख्या के दर्शन, विधि विधान से किए मां कामाख्या के पूजन। पाली में फाल्गुन के महीने में मां लक्ष्मी को और मां पार्वती को पहनाई जाती है फागानिया साड़ी, देवियों को लगाया जाता है गुलाल। ज्योतिषियों के अनुसार 24 मार्च को भद्रा लगने के चलते पूरे दिन नहीं होगा होलिका दहन, रात में होलिका की जलाई जाएगी। कानपुर में दो दिवसीय उत्तर प्रदेश राज्य कैनोइंग चैंपियनशिप का आगाज, गंगा की लहरों पर 18 टीमों के खिलाड़ियों ने दिखाया दम। उत्तर प्रदेश राज्य कैनोइंग चैंपियनशिप में 500 और 200 मीटर की हुई रेस, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी लिया हिस्सा। खिलाड़ियों में अपनी बोट को आगे निकालने की दिखी होड़, रंग बिरंगे बोट में सवार खिलाड़ियों ने अपने चप्पू के जौहर दिखाते हुए गंगा की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़े। लखनऊ में लोगों पर चढ़ा होली का रंग, रंग दे गुलाल मोहे कार्यक्रम का आयोजन। रंग दे गुलाल मोहे कार्यक्रम में महिलाओं ने जमकर खेला गुलाल, होली की गीतों पर थकी महिलाएं। बरसाना में धूमधाम से मनाई गई लड्डूमार होली, चारों तरफ लड्डुओं की बारिश, सभी सिर्फ लड्डू लूटने में मस्त। बरसाने की प्रसिद्ध लड्डू होली में भक्तों ने जमकर बरसाए लड्डू, जिसमें हजारों किलो लड्डुओं की बरसात हुई, लोग राधा कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आए। बसंत पंचमी से ही यहां चढ़ने लगता है होली का रंग, ब्रिज में करीब 40 दिनों तक खेली जाती है होली, देश विदेश से बरसाने पहुंचते हैं। बरसाना में प्रवेश करते ही जगह जगह ढोल नगाड़ों पर थिरकते नजर आए श्रद्धालु, गुलाल और अबीर से सतरंगी छटा के बीच मस्ती में झूमे भक्त। बरसाना की विश्वविख्यात होली में लाखों की संख्या में आए भक्त मंदिर की दीवारें टाप कर राधा रानी मंदिर में प्रवेश करते आए नजर। मॉर्गन स्टेनली ने भारत के सुनहरे दौर का फिर लौटने का भरोसा जताया, रिसर्च एजेंसी ने कहा देश में रोजगार और आय में भी होगी बढ़ोतरी। रिश्वतखोरी को लेकर अमेरिकी एजेंसी कर रही अदानी ग्रुप की जांच, अदानी ग्रुप ने बयान जारी करके कहा हमें ऐसी किसी भी जांच की जानकारी नहीं। कारोबारी साल 2024-25 में 1.2 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा अदानी ग्रुप, कुल निवेश में से करीब 70% ग्रीन एनर्जी बिजनेस में इन्वेस्ट करने का प्लान। जोमैटो को 8.57 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस मिला, गुजरात के टैक्स डिपार्टमेंट ने भेजी फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म को डिमांड। 650 करोड़ के निवेश से 2 नए प्रोसेसिंग प्लांट बनाएगी मदर डेयरी, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी निवेश कर रही डेयरी सेक्टर की कंपनी।